हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक बल चैनल पर। तो दोस्तों, कवर पेज देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज राज कॉमिक्स में किसकी कॉमिक्स पढ़ी जाएगी। जी हाँ, शक्ति की। शक्ति को तो वैसे आप पहले बॉम्बे में देख चुके हैं नागराज के साथ। वो उसकी पहली एंट्री थी राज कॉमिक्स में एज अ सुपर हीरोइन। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं शक्ति की पहली कॉमिक्स आई शक्ति। कैजुअलिटी, सभी इमरजेंसी केस सबसे पहले कैजुअलिटी में ही लाए जाते हैं, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मरीजों को या तो छुट्टी दे दी जाती है या फिर एडमिट कर लिया जाता है। यहां बिताया गया एक एक पल मरीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओ, लगता है कोई इमरजेंसी है। अरे तू बैठ ना चंदा, तुझे तो अभी एक सप्ताह ही हुआ है सर्विस ज्वाइन किए हुए। यहाँ तो रोज ऐसे सैकड़ों केस आते हैं, तू आराम से बैठकर लंच कर। हाँ यार रेणु ठीक कहती है, इन मरीजों का बस चले तो ये लंच भी ना करने दें। हमें रिसेप्शन जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी दी गई है शशि। यहाँ आने वाला कोई भी पेशेंट हमारी कार्रवाई के बिना कैजुअलिटी में नहीं जा सकता। हमारी ओर से हुई जरा सी भी देरी या लापरवाही किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती है। मेरे सामने कोई तड़प रहा हो तो मेरे हाथ निवाला नहीं उठा उठा सकते। मैं लंच थोड़ी देर बाद करूंगी। नहीं है, थोड़े ही दिनों में सब सीख जाएगी। चल तू लंच निकाल, आज मैं तोरी और पेठे की सब्जी लाई हूं। आप में से एक जना रजिस्टर में एंट्रीज के लिए यहाँ रुक जाए, बाकी लोग पेशेंट को फौरन अंदर ले जाओ। ओके मैडम, थोड़ी ही देर बाद। अब आपका पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन अगर जरा भी और देरी हो जाती तो ये हार्ट अटैक खतरनाक हो सकता था। ओह थैंक यू डॉक्टर। देखा, तुम लोगों ने रिसेप्शन पर एक पल की भी कीमत होती है। मेरे ख्याल में तुम्हारा लंच हो चुका है, अब तुम दोनों रिसेप्शन पर जाओ, मैं इत्मीनान से लंच करूंगी। और ड्यूटी के बाद आज मुझे जाना है आश्रम। हेलो मैनेजर साहब, बच्चे तैयार हैं ना? हाँ, उन्हें ले जाओ, मैं उनके रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करता हूँ। चंदा आगे बढ़ी। आश्रम, अनाथ और बेसहारा बच्चों का आश्रम, जिन्हें आज मैंने मनोरंजन पार्क ले जाने का वायदा किया है। चंदा दीदी, हम तैयार हैं। वेरी गुड, तो फिर चलो, बाहर बस भी तैयार खड़ी है। आहा, रिफ्रेशमेंट के लिए बर्गर और फ्रूटी भी। चलो चलो, जल्दी करो। बस मनोरंजन पार्क की ओर बढ़ी। प्यार मिले तो खुशियां पंख लगाकर इन बच्चों की रग रग में समा जाती है। चंदा दीदी, हमारे साथ अंताक्षरी खेलो ना। हाँ, क्यों नहीं। जल्दी ही मनोरंजन पार्क आ गया। वाह, कितना खूबसूरत है। जल्दी अंदर चलो ना दीदी, अंदर जाने के लिए टिकट लेने होंगे। अरे, टिकट विंडो अचानक क्यों बंद कर दी गई? सरकार ने मनोरंजन कर बढ़ा दिया है। जब तक बढ़े हुए रेट्स वापस नहीं ले लिए जाते, मनोरंजन पार्क को बंद कर देने के आदेश आए हैं। चंदा दीदी, क्या अब हम झूले नहीं झूल पाएंगे? ड्रैगन ट्रेन की सवारी का मेरा सपना टूट गया। मैं तो कोलंबस की ऊंची उड़ान भरना चाहता चाहती थी दीदी। वापस चलो, अपना लकी खराब है, अनाथ है ना हम लोग। बच्चों की आह चंदा के जहन पर विद्युत की तरह कौंधी थी। तुम्हारे सपने मैं टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि अभी से सपने टूटने लगेंगे तो जिंदगी बोझ बनकर इन मासूमों के कंधों पर लग जाएगी। ठहरो, तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए अब आ गई है शक्ति। अरे ये कौन है? ये क्या कर रही है? ये तो झूला उठा रही है। ये तो सचमुच शक्तिशाली है। कपिला दीदी, मुझे डर लग रहा है। घबराओ नहीं मंदिर, उसमें उसने हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? ए रुको, ये क्या कर रही हो? बच्चे देश के कर्णधार होते हैं, उनके मनोरंजन की चीजों पर मनोरंजन कर लगाना ही किसी देश की सरकार के लिए शर्म की बात है। यह मनोरंजन पार्क केवल अमीर बच्चों के मनोरंजन की जगह नहीं होनी चाहिए, पर गरीब बच्चा यहाँ तभी आ पाएगा जब मनोरंजन पार्क घूमना उसके लिए सस्ता होगा। मैं अपना ये संदेश दिल्ली सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगी। अरे वो औरत कहाँ गई जो झूले को उखाड़ रही थी? और ये तीव्र प्रकाश कैसा है? झूला कैसे उड़ रहा है? मैं मनोरंजन पार्क के सभी को सभी के सभी झूले मनोरंजन पार्क के बाहर स्थापित कर दूंगी, ताकि बच्चे इनकी सवारियों का आनंद ले सकें। वाह, अरे ये शक्ति तो कमाल की निकली। ये तो मनोरंजन पार्क के सभी झूले एक एक कर बाहर ला रही है। वो देखो कोलंबस, वो देखो मेरी गो राउंड, ड्रैगन ट्रेन भी ला रही है ये तो। ओ नो, इसे हम तो क्या, हमारी पूरी टीम मिलकर भी ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ये सब झूले और ये टॉय ट्रेन तुम्हारे लिए है, और मैं हूं तुम्हारी शक्ति दीदी। हैं, टॉय ट्रेन पर मैं भी बैठूंगा? ये तो साक्षात चंडी का रूप लग रही है। कौन है ये शक्ति? मगर ये सब झूले बिना बिजली के चलेंगे कैसे?
ये जरूर चलेंगे बच्चों, क्योंकि मैं जनरेटर भी उठा लाई हूं। और वाह, पावर मिलते ही सभी झूले चल पड़े। ओ गॉड, ये कोलंबस तो बहुत ऊंचा जाता है। आई, अद्भुत, रोमांच का खजाना है ये झूला तो। वाओ, ड्रैगन ट्रेन तो मेरे होश उड़ाए दे रही है। इसे कसकर पकड़े रहना। दीदी, इसे रोको, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। उफ, हे भगवान, रोको रोको इसे। इसका कंट्रोल भगवान के हाथ में नहीं, शक्ति दीदी के हाथ में। तू अपनी आंखें बंद कर ले, ये ना की बच्ची, इस पर तो अच्छे अच्छों को चक्कर आ जाते हैं। ये तो बैठने से पहले क्यों नहीं सोचा था। ए रोहित, मेरी कार से अपनी कार दूर कर, देख, टक्कर मत मारना। अरे बचा, उफ, अरे तो कौन सा, तेरी कार टूट जाएगी, ये तो टक्कर खाकर पीछे चली जाती है। हे वाओ, चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आई शक्ति के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।